नंबर वन सिर दर्द, डिहाइड्रेशन सिर दर्द और आलस्य का एक सिद्ध ट्रिगर है और यह संकेत है कि आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपका शरीर निर्जलित है तो सिर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, तो अगली बार सिर में दर्द होने पर गोली लेने की बजाय थोड़ा पानी पिए। नंबर दो कम एकाग्रता, हमारे सिर के 90% हिस्से में पानी होता है और जलयोजन की कमी हमारे दिमाग के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ध्यान की कमी, खराब याददाश्त, थकान और चिंता इस बात के संकेत हैं कि आपको अधिक पानी की आवश्यकता है। नंबर तीन सांसों की बदबू, जब सांसों की दुर्गंध आती है तो दंत चिकित्सक के पास जाना हमेशा समाधान नहीं होता। थूक बनाने के लिए पानी आवश्यक है जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। जब आपका शरीर खराब तरीके से हाइड्रेटेड होता है तो बैक्टीरिया की वृद्धि अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप सांसों से दुर्गंध आती है। नंबर फोर कब्ज, पानी पेट के मार्ग को साफ रखता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। यदि आपका शरीर ठीक से हाइड्रेटेड नहीं हो तो उल्टी या दस्त होने पर कब्ज की संभावना अधिक होती है। एसिड रिफ्लक्स और नाराजगी भी डिहाइड्रेशन के परिणाम है। नंबर फाइव भोजन की लालसा, कुछ नमकीन या मीठा खाने की अचानक इच्छा इस बात के संकेत है कि आपके शरीर को पानी की ज़रूरत है। डिहाइड्रेशन इन झूठे भूख झंडे भेज सकता है जब वास्तव में आपको पानी की आवश्यकता होती है। अगली बार जब आपको अचानक से तरस आए तो पहले थोड़ा पानी पिए और देखें कि क्या यह रुकता है। नंबर सिक्स कम पेशाब आना और रंग में बदलाव, नियमित अंतराल का टॉयलेट जाना इस बात का संकेत है कि आप ठीक से हाइड्रेटेड हैं। सामान्य अंतराल पर पेशाब नहीं करना एक निश्चित संकेत है कि आपको अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके मूत्र का रंग आपके शरीर को पानी की आवश्यकता का एक अच्छा संकेत है। सुनहरे या नारंगी रंग का पेशाब इस बात का संकेत है कि आप पर्याप्त पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं। नंबर सेवन सुस्ती और थकान, सुस्ती और थकावट की भावना अक्सर डिहाइड्रेशन का परिणाम होता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त दोनों का संचार कम हो जाता है जिससे सुस्ती और थकान दोनों होती है। नंबर एट मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, शरीर के जोड़ों का एक अनिवार्य भाग होने के कारण पानी की कमी का कारण जोड़ एक दूसरे से टकराते और रगड़ते हैं जिससे जोड़ों में दर्द होता है। मांसपेशियों के मामले में डिहाइड्रेशन मांसपेशियों के संकुचन का कारण बन सकता है जो दर्द का कारण बनता है। नंबर नाइन सूखी त्वचा और होंठ, त्वचा पसीने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाला शरीर का सबसे बड़ा अंग है और चूंकि शरीर में पानी की प्राथमिकता कार्यों में से एक विषाक्त पदार्थों और जहरों को बाहर निकालना है, डिहाइड्रेशन से त्वचा के टूटने, छाल रोग और जिल्द की सूजन हो सकती है। सूखे होंठ भी डिहाइड्रेशन का परिणाम होते हैं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।